अमेठी जनपद के तहसील तिलोई के ब्लॉक तिलोई के ग्राम सभा जनाबपुर में 18 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम प्रधान व गांव के सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी तिलोई व ग्रामीण उपस्थित रहे। अमेठी से केकेडी न्यूज संवाददाता राजनारायण सिंह की रिपोर्ट। जमुई के झाझा क्षेत्र के अंतर्गत चितोचक बोसब गान के जनता सेवा सदन हॉस्पिटल के डॉक्टर कन्हैया कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मेरे ऊपर कुछ दिन पहले जो छेड़खानी का आरोप लगाया गया वह राजनीति और षड्यंत्र के तहत लगाया गया, जो कि सरासर गलत है। वहीं जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक विनोद यादव ने बताया कि मैं सच्चाई का साथ देता हूं और सभी मामले का गहराई से जांच पड़ताल करके हल्ला बोल आंदोलन करता हूं, जो कि यह मामला झूठा था। वहीं डॉक्टर जया मित्रा ने बताया कि डॉक्टर के सेठी पर लगाया गया छेड़खानी का आरोप सरासर झूठा है। वहीं डॉक्टर साहब प्रत्येक दिन की भांति मरीजों की देखरेख कर रहे हैं और हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। मैं हूं चितोचक बोस बगान जनता सेवा सदन हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर के सेठी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पर जो आरोप लगा हुआ था छेड़खानी का, इसमें कितनी तक सच्चाई है? सर, आप क्या कहेंगे इस पे? वो बिल्कुल निराधार है, ये सही नहीं है। और कोरोना काल में मैं शुरू से पब्लिक को सेवा कर रहा हूँ और सभी डॉक्टर ने बंद कर दिए, झाझा में सेवा नहीं दे रहे थे और फर्स्ट लॉकडाउन में, सेकेंड लॉकडाउन में, दोनों में सेवा दिए। उसी कारण बस हमको लगता है कि किसी तरह राजनीति के तहत फंसाया गया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और मैं रेगुलर अपना प्रैक्टिस कर रहा हूं। सर, आपका कहने का मतलब है राजनीति और षड्यंत्र के तहत आप पर यह आरोप लगाया गया था। अब मैं मिलूंगा जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक विनोद यादव उर्फ होटल कपार से, जो कि हर एक मुद्दा को लेकर जनता के साथ रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जनता सेवा सदन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर के सेठी है, उन पर एक आरोप लगा था छेड़खानी का, तो इस पर आप क्यों ना गंभीर से विचार किए, आखिर कारण क्या था? देखिए, सबसे पहली बात है, हमारे पास कोई भी मुद्दा आता है तो उस मुद्दा को हम तह तक जाते हैं, जानकारी जुटाते हैं और यह तो कोशिश करते हैं कि उसका सत्यता क्या है, उसके बाद ही हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी आंदोलन करते हैं ताकि भविष्य में हम जवाब दे सकें। तो इसमें जो डॉक्टर साहब की जो मामला है, इसमें कहीं कुछ नहीं पाया गया था। और हम देखते आ रहे हैं शुरुआत से, डॉक्टर साहब सिर्फ सेवा पेशेंट इलाज करके ही नहीं करते हैं, बल्कि समाज में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और समाज के कोई भी कार्य हो, अगर इनको जानकारी पड़ता है, बढ़ चढ़कर भाग लेकर ये कार्य करते हैं। सिर्फ डॉक्टर नहीं है बल्कि एक समाज सेवी भी है। अब मैं जनता सेवा सदन हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जया मित्रा से मिलने जाऊंगा और उनसे जानूंगा कि आखिर यह मामला क्या था और डॉक्टर के सेठी अभी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं या नहीं है, जनता को सेवा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर के सेठी हर हमेशा क्लिनिक में ही थे और सेवा दे रहे थे, आज भी दे रहा है, आगे भी देगा। जो जितना राजनीति करे वो करते रहे, राजनीति के तहत इस तरह फंसाना, लेकिन किसी को गिरा नहीं सकते हैं। जो माथा ऊंचा करके है वो माथा ऊंचा करके ही रहेगा। जी, बिहार से केकेडी न्यूज संवाददाता मिथुन कुमार की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्र को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक बुंदेलखंड बदहाली की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। एक समय था जब बुंदेलखंड को वीरों की भूमि कहा जाता था, लेकिन आज उसी बुंदेलखंड में भुखमरी, बेरोजगारी व अशिक्षा का अभिशाप बना हुआ है। बुंदेलखंड को सिर्फ लूटा जा रहा है। बुंदेलखंड के मोरंग, लाल गिट्टी, पत्थर, हीरा व जंगल से कीमती लकड़ियों को साफ किया जा रहा है, जिससे आज बुंदेलखंड में लोग प्यास के मारे मर रहे हैं। बुंदेलखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके।
आपको बता दें कि जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते समय प्रशांत तिवारी, रोहित सिंह, अंकुर खरे, सुनील यादव, रामदेव यादव के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। प्रशांत तिवारी, कहाँ से आप लोग आए? हम लोग पांडा से बुंदेलखंड निर्माण से। किस तरह की मांग लेकर गए? हमारी मांग है, पहली मांग है कि बक्सवा के जंगल को बचाना है, बुंदेलखंड राज्य बनाना है, और आज हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि भी है, जिसमें हम लोगों ने सब डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जिससे हमारी मांग राष्ट्रपति महामहिम तक पहुँच सके, जिससे हमारी सारी मांगें पूरी हो सके। हमें ठीक नहीं अधिकार चाहिए, बुंदेलखंड राज्य चाहिए। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र स्थित शिव मंदिर के पास एक तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में 24 वर्षीय अन्य युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आनंद फानंद में इसकी जानकारी मंदिर के पुजारी ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवा कर आसपास के लोगों से शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस जाँच में जुट गई है। वहीं इस मामले को लेकर SSP सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि आज सुबह शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से शव का शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतिका के शरीर पर कोई चोट आदि के निशान नहीं है। शव की फोटो सोशल मीडिया व अन्य स्थानों में भेज कर शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोरतगढ़ के अंतर्गत एक युवती का शव मिला है। अभी उसके कोई चोट का निशान नहीं है, सभी कपड़े वो पहने हुई है, किसी तरह का उसके बॉडी से कोई रेसिस्ट किए जाने का कोई सिग्नल अभी नहीं मिला है। और उसका महिला कांस्टेबल और वहाँ पर जो संबंधित पुलिस के द्वारा उसका पंचायतनामा अभी भरा गया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी हम लोग उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। उसके लिए हम लोगों ने आसपास के 3-4 किलोमीटर के सभी लोगों को बुला के उसको दिखाया है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो हमने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं जनपद के सभी पे डाल दिया है और सभी थानों को उसका मैसेज भेज दिया गया है। अभी हम लोग ट्रैक करा रहे हैं। संभवतः कोई बता रहे हैं कि शायद कोई महिला वहाँ घूमती थी, थोड़ा विक्षिप्त थी, और हो सकता है वही हो। अभी इसकी पूरी हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं। जैसा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से KKD न्यूज़ रिपोर्टर पवन जायसवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नियुक्त सहवारित पार्षद चिरंजीव लाल भार्गव का आज शाम 6 बजे दरबार हाउस पर स्वागत किया जाएगा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आज शाम 6 बजे पधारे व कोविड नियमों का पालन करते हुए नियमित दूरी बनाए। श्री शांति कुमार जी धारीवाल एवं करण सिंह जी राठौर पूर्व विधायक छावड़ा का धन्यवाद आभार व्यक्त किया जाएगा। राजस्थान से KKD न्यूज़ रिपोर्टर राजमल मीना की रिपोर्ट।